दोस्तों, हमारा बाल बना होता है कैरेटिन प्रोटीन से, और जब यही कैरेटिन प्रोटीन हमारे बालों से कम होने लगता है या हमारे बालों में इसकी कमी होने लगती है, तो इसकी वजह से हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई, बहुत ज़्यादा डैमेज और बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं। और फिर हम लग जाते हैं एक ऐसी दौड़ के अंदर जो बहुत ज़्यादा चकाचौंध भरी है, लेकिन बहुत बार हम उसकी वजह से अपने बालों को और भी ज़्यादा डैमेज कर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूं मार्केट में अवेलेबल बहुत सारे कैरेटिन ट्रीटमेंट्स के बारे में, जिन्हें करा के आप अपने बालों को कुछ समय के लिए अच्छा तो दिखा देते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका असर आपके बाल में कम होने लगता है, तो उसकी वजह से आपके बाल और भी ज़्यादा फ्रीजी, और भी ज़्यादा ड्राई और भी ज़्यादा रफ हो जाते हैं। So, हमें कुछ ऐसा करने की जरूरत है जिसे हम कम से कम पैसों के अंदर और लंबे से लंबे समय तक कर सकें, लेकिन उसकी वजह से हमारे बालों पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से कैरेटिन ट्रीटमेंट को हम अपने घर में कर सकते हैं, और वो भी घर में ही अवेलेबल कुछ आसान सी चीजों के साथ में। देर किस बात की है दोस्तों, अगर आप भी अपने बालों के डैमेज होने से या फिर रफ होने से या फिर फ्रीजी होने से परेशान हैं, या फिर आप परेशान हैं अपने बालों में होने वाली डैंड्रफ या बालों के झड़ने की समस्या से, डेफिनेटली आपको घर में किए जाने वाले इस कैरेटिन ट्रीटमेंट को जरूर ट्राई करना चाहिए। इसे करना बहुत आसान है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं खर्च करने, क्योंकि ये घर में ही अवेलेबल कुछ चीजों के साथ में हो जाने वाला है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इसे किस तरह से किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं बालों की, तो डेफिनेटली हमें यह समझना होगा कि बाल बना हुआ है कैरेटिन प्रोटीन का, और अगर हमारे बालों में इसी प्रोटीन की कमी हो जाए तो हमारे बाल हो जाते हैं बहुत ज्यादा रफ, बहुत ज्यादा डैमेज एंड बहुत ज्यादा फ्रीजी, और इसी वजह से बालों में डैंड्रफ एंड हेयर फॉल होना भी शुरू हो जाता है। तो हमें कुछ ऐसा करना है ताकि ये कैरेटिन प्रोटीन वापस से हमारे बाल में आ जाए, जिसकी वजह से हम अपने बालों को डैमेज फ्री बना सके। इस कैरेटिन ट्रीटमेंट को आपको हफ्ते में एक बार करना है। अब आपको लगेगा सर मार्केट वाला तो 6 महीने में एक बार करना पड़ता है, लेकिन ये हफ्ते में एक बार, ये बड़ा सरदर्द नहीं है। देखिए, सरदर्द बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप नेचुरल चीजों को फॉलो कर रहे हैं। सो डेफिनेटली आपको कुछ पेशेंस रखना होगा, कुछ रिपीटेशन फास्टर करने होंगे, जल्दी जल्दी करने होंगे, तभी तो आपको रिजल्ट आएंगे। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आपके बाल डेफिनेटली बहुत अच्छे हो जाने वाले हैं। इस कैरेटिन क्रीम को बनाने के लिए हमें जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट चाहिए दोस्तों, वो चाहिए चावल। तो अगर हम चावल की बात करें तो चावल के अंदर होता है बहुत सारा एमिनो एसिड एंड बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, जिसकी वजह से हम अपने बालों की जो हेल्थ है उसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसे बहुत ज्यादा हेल्दी, स्ट्रांग एंड शाइनी बना सकते हैं। लगभग आपको यहां पर एक मुट्ठी चावल ले लेना है अगर आपके मीडियम लेंथ के बाल हैं। अगर आपके बाल बड़े हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा ज्यादा लेना होगा। एक मुट्ठी चावल लेने के बाद उन चावलों के अंदर आपको डालना है लगभग 2 ग्लास पानी। पानी हम यहाँ पर ज़्यादा इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसे हमें सबसे पहले तो लगभग 24 घंटे के लिए भिगो के रखना है। भिगोना इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जब हम फर्मेंटेशन पैदा करते हैं तो पिटोरा नाम का एक यीस्ट पैदा होता है, जिसकी वजह से हमारे जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। अब 24 घंटे बाद आपने जो पानी जिसके अंदर चावल भिगोए थे, इसी के साथ आप उबालना शुरू कीजिए, और तब तक उबालिए जब तक कि ये पानी उबलते उबलते आधा नहीं रह जाता और चावल पूरी तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। चावल बहुत आसानी से सॉफ्ट हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी आपने उसे 24 घंटे भिगो के रखा है, तो उसे सॉफ्ट होने के लिए ज्यादा समय या ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होने वाली है। अब ये हो गया हमारा एक स्टेप। दूसरा स्टेप जो है वो हमें यहाँ पर कोकोनट मिल्क बनाना है। अब कोकोनट मिल्क आप मार्केट से रेडीमेड भी ले सकते हो, और आप चाहो तो कोकोनट मिल्क घर पे भी बना सकते हो। तो अब क्योंकि यहाँ पर कोकोनट मिल्क मैंने बाजार से नहीं लिया है, तो मैंने जो सूखा हुआ गोला रहता है जिसको हम मिठाइयों में इस्तेमाल करते हैं, उसे कद्दूकस कर लिया है। उसे कुछ घंटों के लिए पानी के अंदर मैंने डिप करके रख लिया था, भिगो के रख दिया था, और अब मैं उसे ग्राइंड कर रहा हूँ, और ग्राइंड करने के बाद मैं इसे छान लूँगा, और छानने के बाद मेरे पास कोकोनट मिल्क तैयार हो जाएगा।
सो ये कोकोनट मिल्क तैयार करने का दूसरा स्टेप भी हमने कर लिया है कंप्लीट। अब हमें चलना है तीसरे स्टेप पर, जहां पर हमें बनाना है फ्लैक्स सीड जेल। जी हाँ दोस्तों, वही फ्लैक्स सीड जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसका जेल हम अपनी स्किन पर लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो लगभग मैंने 4 चम्मच यहाँ पे फ्लैक्स सीड्स ले लिए हैं और इन फ्लैक्स सीड्स के अंदर मैंने लगभग 1 ग्लास पानी मिला दिया है। 3 से 4 मिनट के लिए जब मैं इसे उबाल रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि जो पानी है धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है, वो जेल के अंदर कन्वर्ट होता जा रहा है। अब मुझे क्या करना है, ये जो 3 अलग अलग स्टेप्स मैंने बनाए हैं, मतलब कि मैंने चावलों को उबाला है एक तरफ, दूसरी तरफ मैंने कोकोनट मिल्क बनाया है, तीसरी तरफ मैंने फ्लैक्स सीड का जेल बनाया है, इन तीनों को मुझे मिला देना है। लेकिन लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि फ्लैक्स सीड का जो जेल है वो आपको छान करके मिलाना है, बीज उसके अंदर नहीं जाने चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर यहाँ देख पा रहे हैं कि मैंने उबले हुए चावलों का जो बर्तन है उसके अंदर कोकोनट मिल्क डाल दिया है लगभग आधा कप के आसपास, और उसी के अंदर जो मैंने फ्लैक्स सीड का जेल बनाया था उसे छान करके छलनी से डाल दिया है। अब इन तीनों चीजों को अच्छे से मिलाकर मुझे 4 से 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर फिर से उबालना है। जब ये अच्छे से उबल करके तैयार हो जाएंगे, अब ये मेरा केराटिन क्रीम ऑलमोस्ट तैयार है, लेकिन इससे पहले मुझे ग्राइंड करना होगा ताकि जो दाने हैं चावल के वो अच्छे से पिस जाए। सो इसे अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए और ग्राइंड करने के बाद एक मलमल के कपड़े से या फिर छलनी से आप इसे निकाल दीजिए। तो लीजिए, आपकी केराटिन क्रीम हो गई है तैयार। लेकिन इस क्रीम को अगर आप और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर एक अरोमा ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए जिसका नाम है लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। लेवेंडर एसेंशियल ऑयल अपने आप में एक बहुत ताकतवर अरोमा ऑयल है जो कि आपके बालों की हेल्थ को, आपके बाल की क्यूटिकल को चमक देने के लिए, शाइन देने के लिए काम करता है। सो लगभग 5 से 10 ड्रॉप्स आप इसके अंदर लेवेंडर ऑयल की डाल दीजिए और ये अब आपका केराटिन क्रीम बनकर के तैयार है। इस क्रीम को अब आप अपने बालों को पहले शैम्पू कीजिए हल्के से गर्म पानी के साथ में या गुनगुने पानी के साथ में, ताकि आपके बालों के जो क्यूटिकल्स हैं वो लूज हो जाएं, वो सॉफ्ट हो जाएं, वो ओपन हो जाएं, और फिर पतले पतले सेक्शन करके इस क्रीम को लगाइए और क्रीम को लगाने के बाद जूड़ा बना लीजिए। पतले पतले सेक्शन करके अगर आप क्रीम लगाएंगे तो डेफिनेटली हर एक बाल तक ये क्रीम पहुंचेगी और आपके बाल को बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर ये क्रीम देने वाली है। अब आपको जब आपने जूड़ा बना लिया है अपने बालों में इस केराटिन क्रीम को लगा करके, तो आपको स्टीम देनी है। स्टीम देने के लिए आप स्टीम कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एक तरीका है जो मैं हमेशा प्रेफरेंस करता हूँ, ताकि आपके बाल की हर एक बाल तक आपको अच्छे से हीट मिले। लेकिन अगर आपके पास स्टीम कैप नहीं है तो आप पानी को गर्म करके टॉवल को उसमें भिगोइए, निचोड़िए और उसको अपने बालों पर लपेट लीजिए। स्टीम कैप एक सबसे अच्छा और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल तरीका है। मैं इसे परचेज करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। 5 से 10 मिनट स्टीम देने के बाद स्टीम कैप को या फिर टॉवल को हटाइए, बालों को नॉर्मल होने दीजिए, उनके टेम्परेचर को रिलैक्स होने दीजिए, फिर प्लेन पानी से आप उसे वॉश कर लीजिए। और अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा चिपचिपाहट लगता है आपके बाल में तो कोई भी माइल्ड शैम्पू लेकर के उससे आप शैम्पू कर लीजिए। जब भी बात माइल्ड शैम्पू की आती है तो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आपको स्किन अफेयर्स का हेयर रिचुअल शैम्पू ट्राई करना चाहिए। सबसे कम केमिकल्स, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एंड इतना ज़्यादा सेफ कि इवन आप 1 दिन के बच्चे के सर पर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि मेरे कहने से एक बार ट्राई जरूर दीजिएगा शैम्पू को भी। ये मेरा खुद का फॉर्मुलेशन है, मैं डेफिनेटली बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है इस बहुत ज्यादा सेफ शैम्पू को बनाने के लिए। दोस्तों अब इस प्रोसेस को आप हफ्ते में एक बार रिपीट कीजिए एंड आप देखेंगे कि आपके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा अच्छे होते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप इस प्रोसेस को करते जाएंगे वैसे वैसे आपके बालों की जो हेल्थ है, स्ट्रेंथ है, वो बढ़ती चली जाएगी। सो मेक श्योर कि इस प्रोसेस को एक ट्राई ज़रूर दें और फिर अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता चले कि आपके लिए हमारे जो DIY रेमेडीज हैं ये किस तरह से काम करते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। पसंद आया है तो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दें। आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।